हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग से सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आपने देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस रोलर कोस्टर राइड वाली वीडियो को करते हैं शुरू, जो आपके एंटरटेनमेंट की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ से आपको आने का मन नहीं होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दुवे ने अपनी टीम में उस मैजिशियन जिसका नाम सोल्टा होता है उसे भी अब शामिल कर लिया था। अब उस मैजिशियन सोल्टा ने जिस इंस्टेंट फॉर्मूला का डिस्कवर किया था, जिसके यूज से वो तुरंत ही फायर बॉल्स को जनरेट कर सकता था, अब इस फॉर्मूला को हिलाने के लिए उसे अपनी लेबोरेटरी जानी होती है, जो कि वेस्ट की तरफ होता है, जहाँ दुवे भी उसके साथ अपनी पूरी टीम को लेकर के वेस्ट की ओर चला जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उनकी ये जो जर्नी होती है वो बंजाओ सिटी के एक बहुत बड़े गेट के सामने रुकती है, जहाँ पे बहुत बड़ी सेना पहरा दे रही होती है और ये इनका रास्ता रोकती है। अब इस पे यहाँ जो दुवे के सिपाही होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो रेमंड किंग के एल्डेस्ट सन दुवे यंग मास्टर का, मेरा नाम रॉबर्ट है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस राजघराने की सवारी को रोकने की। जिस पे वो माफी मांगता है ये कहते हुए कि इस बड़े से गेट पे पहरा लगाने का ये रीजन है कि इस बंजाओ माउंटेन में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को अपेयर होता देखा गया है और उसी मॉन्स्टर से डील करने के लिए हमारे सिटी के सारे इंपीरियल मिलिट्री गार्ड्स जो हैं उस माउंटेन पे जा चुके हैं और हमारे पास अभी सोल्जर्स की काफी कमी है, इसीलिए हम इस गेट पे पहरा दे रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को हम अपने इस मिलिट्री में रिक्रूट कर सके। लेकिन ये रिक्रूट वर्ड ही कहते कहते रुक जाता है क्योंकि आखिर वो कैसे किसी नोबल घराने को अपने मिलिट्री में भर्ती कर सकता था। अब यहाँ मॉन्स्टर का नाम सुनते ही दुवे चौंक जाता है और वो उनकी हेल्प करने की डिसाइड करता है। आगे जो दुवे होता है वो मैडी और बाकी के सर्वेंट्स को वहीं रुकने का आदेश देता है और बाकी सोल्जर्स को लेकर के उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दुवे को वो सारे सोल्जर्स एक झुंड बना के प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे दुवे काफी इरिटेट हो जाता है। अब उस माउंटेन में वहाँ अजीब सी हलचल होने लगती है, लगातार एक स्प्लैश के कारण वहाँ जो पास एक पेड़ होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं और फिर दुवे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। यहाँ दुवे उनसे पूछता है कि रॉबर्ट, क्या तुमने कोई मॉन्स्टर हंट किया है, जिस पर रॉबर्ट उन्हें बताता है कि एक बार साउथ की तरफ उसे एक ऐसे ग्रुप के साथ इनकाउंटर हुआ था जो कि ग्रिफन्स होते हैं। अब ये ग्रिफन्स वही होते हैं जिनके सर तो ईगल के होते हैं लेकिन पूरी बॉडी लायन की होती है। आगे वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि ये ग्रिफन्स जो होते हैं वो ग्रुप में हमला करते हैं और उनसे फाइट करते हुए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और एक फैमिली टीम ने मुझे रेस्क्यू किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस फाइट में मैंने अपने भाई को खो दिया। जिस पे रॉलिन उन्हें बताती है कि मेरी जानकारी के हिसाब से इस तरह के जो ग्रिफन्स होते हैं वो अपनी मैजिकल पावर को फिर से पूर्ति करने के लिए और ये वारक्राफ्ट वाले जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उन्हीं एरियाज के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं जहाँ मैजिकल प्लांट्स होते हैं, या तो फिर उन कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे स्पेशल मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस बंजाओ माउंटेन पे जहाँ पे सिर्फ लकड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, आखिर कोई मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे अपेयर हो सकता है। जिसपे यहाँ दुवे से पूछता है, क्या तुम इन मैजिकल क्रिएचर्स के वर्ल्ड के बारे में जानती हो, जिसके जवाब में वो बताती है कि वो कई बार उस फ्रोजन माउंटेन्स में गई है जब भी कोई वो अलग मैजिकल ग्रुप्स को ज्वाइन करती थी और उनके साथ मिलकर उसने कई बार इन मॉन्स्टर्स को हंट किया है। जिसपे यहाँ रॉबर्ट उनसे कहता है कि मैंने बस एक ही बार उन मॉन्स्टर्स को हंट किया है, इसीलिए मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मुझे उन मॉन्स्टर्स की हैबिट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि रॉलिन यहाँ जो कह रही है वो सही है और हमें आगे और सावधानी बरतनी चाहिए। जिसपे वो जो सोल्जर्स होते हैं यहाँ रॉलिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये देखो अपने स्किल्स के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उन फ्रोजन फॉरेस्ट में तो हम भी हजारों दफा गए हैं, हमें तो कोई मॉन्स्टर वहाँ दिखा नहीं, जरूर इसने अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ डांस किया होगा तभी ये लोग उससे अट्रैक्ट हुए होंगे। यहाँ ये लोग इसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं ये कहते हुए कि बड़ी आई जानने वाली वॉरक्राफ्ट के क्रिएचर्स के बारे में। जिसपे यहाँ रॉलिन को काफी बुरा लगता है, तो आगे जो दुई होता है उन सभी को चुप कराता है ये कहते हुए कि यहाँ पे खड़े खड़े बात करते रहे तो मॉन्स्टर हमें जरूर कैच कर लेगा। तो आगे चल के देखते हैं कि ऐसा कोई मॉन्स्टर होता भी है कि नहीं। अब आगे उस जंगल में काफी देर भटकने के बाद वो उस माउंटेन के क्लिफ पे पहुंचते हैं, जहाँ वो गुस्से से गंजा कह रहा होता है कि सुबह से दोपहर हो गई, हमें एक भी मॉन्स्टर तो क्या उसकी पाद तक हमें नहीं सुनाई दी। कि तभी हमें वहाँ एक खोखले पेड़ के अंदर से कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। पहले दुवे तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो देखता है कि रॉलिन यहाँ आसपास नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने चला जाता है। यहाँ रॉलिन को काफी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो एक जगह चुपचाप बैठी हुई होती है।
तभी उसके पास दुवे आता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है कि मैं मून क्लैन के पीपल को जानता हूँ, उनमें काफी टैलेंट होता है, और अगर तुम कह रही हो कि तुम काफी सारे मॉन्स्टर्स को इनकाउंटर कर चुकी हो तो मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन है। और रही बात उनकी, तो तुम इनकी बातों को दिल पे मत लो, क्योंकि वे लोग मुझे भी यहाँ पे मंद बुद्धि समझते हैं और मेरी टीम में तुम पहली ऑनरेबल फीमेल नाइट हो, इसलिए तुम्हें ऐसा हार्ड वर्क करना होगा ताकि उन सब की बोलती बंद हो जाए। जिस पे रॉलिंग उसे कहती है कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तभी अचानक उन्हें एक मॉन्स्टर के हॉल की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग सतर्क हो जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वाकई में एक डिमन फॉक्स ने उन पे हमला किया है। यहाँ उन सोल्जर के साथ उस डिमन फॉक्स की फाइट होती है और सारे मिल करके उसे हरा देते हैं। और जैसे ही रॉबर्ट अपने शॉट से उस पे अटैक करता है, हम देखते हैं कि वो अब मारा जा चुका है। और जैसे वो इसकी लाश का जायजा लेने जाते हैं, वो मॉन्स्टर वहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। जिस पर रॉलिन उन्हें बताती है कि जब एक वारक्राफ्ट वाला क्रिएचर इस तरह से डाई होता है तो उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि ये इस तरह की चीज ये लोग पहली बार देख रहे होते हैं। कि तभी उन्हें फिर से एक अजीब सी हलचल सुनाई देती है। वे लोग तुरंत ही दुवे को प्रोटेक्ट करते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ग्रिफन दिखता है जो उनकी तरफ अटैक करने को बढ़ रहा होता है। उसे देखते ही रॉबर्ट यहाँ समझ जाता है कि इस ग्रिफन का साउंड को तो मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि देखते ही देखते वहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ ग्रिफन्स आ जाते हैं। अब ये लोग झुंड में शिकार करते हैं और वो ये खून के प्यासे होते हैं। जैसे ही वो नीचे इन पे अटैक करने आते हैं, रॉबर्ट यहाँ बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। लेकिन यहाँ इन ग्रिफिन्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिससे ये लगातार इन पे अटैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये भी एक वॉरक्राफ्ट क्रिएचर है, क्योंकि ये मरने के बाद तुरंत ही डिसअपीयर हो जा रहे थे। आगे यहाँ रोलिन भी दुवे को बचाने के कारण उन ग्रिफिन्स के अटैक से यहाँ घायल हो जाती है। दूसरी तरफ इन ग्रिफिन्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा चिंघाड़ रहे होते हैं जिसकी आवाज से सारे लोगों के माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये लोग उस साउंड को सह नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक मिल्टन अटैक मैजिक होता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक ग्रिफिन दुवे को तपोषने आ ही रहा होता है कि तभी रॉबर्ट उस पे अटैक करता है। तभी ये लोग वहाँ पर एक खौफनाक व्यू को देखते हैं कि वो ग्रिफिन्स कैसे सोल्जर्स की बॉडी को ही हवा में चीर फाड़ दे रहे थे। अब यहाँ पे जो दुबे होता है वो उस मैजिशियन सोल्टा को ढूंढ रहा होता है ताकि वो फायर बॉल्स को जनरेट कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मैजिशियन एक नंबर का फट्टू होता है वो कहीं दुबक के छुपा था। आगे यहाँ दुबे अपने आप में सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। कुछ करने के बजाय वो सिर्फ दूसरों को ऑर्डर दे रहा है और उस सोल्टा के बैग से उस फॉर्मूले को निकालता है जिसमें फायर एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ वो रॉबर्ट को बचाने के लिए उस ग्रिफिन पे अटैक करता है उसी फायर एलिमेंट से। आगे हम देखते हैं कि दुबे जो होता है उसी फॉर्मूले का यूज करके 2-3 बार उन पे अटैक करता है। लेकिन अब उसके पास वो फॉर्मूला खत्म हो चुका था, जिसे देखते हुए अब रॉलिन उसे बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ जो रॉबर्ट होता है उसे ये कहता है कि तुम जल्द से जल्द यंग मास्टर्स को लेकर के यहाँ इस माउंटेन से नीचे उतर जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ और मैं उन्हें लेकर के यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मैं यहीं रह करके इन ग्रिफिन्स का मुकाबला करूंगा। आगे वो कंटिन्यू करते हुए बताता है, क्योंकि मैं इन ग्रिफिन्स के नेचर को जानता हूँ, ये खून के प्यासे हैं और तब तक मारते रहेंगे जब तक इनके जो शिकार है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। जिस पे वो मना करती है, लेकिन यहाँ रॉबर्ट के इंसिस्ट करने पे कि तुम एक रियल नाइट हो, ये तुम्हें प्रूफ करना है, यहाँ तुम्हें यंग मास्टर को बचाना ही होगा। आगे यहाँ रॉलिन को दुबे की कही हुई बात याद आती है और वो रॉबर्ट से कहती है कि तुम यहाँ से यंग मास्टर यानी दुबे को लेकर के चले जाओ, मैं इन ग्रिफिन्स का मुकाबला कर लूंगी। आगे हम देखते हैं रॉलिन को जो कि एक खंजर से अपने ही हाथ पे एक कट लगाती है और उसके हाथ से जब खून जारी हो जाता है तो वहाँ पे वो कुछ मंत्रों का जाप करती है, जिससे वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है कि उस फॉर्मेशन शील्ड के जैसे ही टच करते थे वो ग्रिफन्स वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ वो सबको कहती है कि वो जल्द से जल्द यंग मास्टर को लेके वहाँ चली जाए, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है इन ग्रिफन्स को रोकने का, क्योंकि उसके जो ये मंत्र है तभी तक काम कर पाएंगे जब तक कि उसके यह खून उस मैजिक में मिलेगा। अब यहाँ पे उसकी इस करेज को देखते ही कि किस तरह इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है यंग मास्टर के लिए, सारे उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड वाकई में बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें आपको इन ग्रिफिन्स का क्या होगा, इसके साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे, इस अमेजिंग से सीरीज को और भी एंटरटेनिंग बना देंगे। सो गाइज इस अमेजिंग से सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहना। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।